अक्षरा के साथ चूंकि हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, अक्षरा बीइंग ए म्यूजिक डायरेक्टर मुझे बहुत अप्रिशिएट करती रही है। बहुत परेशानियां हो रही थी, बारिश बार बार तंग कर रहा था, पर एक बार उफ नहीं आया उनके चेहरे पे, सिकन सी नहीं आई, और पूरा हमारे साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिला करके सपोर्ट किया और हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ वो सीन पिक्चराइज किया। अक्षरा के साथ काम करना बहुत ही सुखद लग रहा है और ईश्वर करेंगे तो हम आगे भी कई फिल्में करेंगे उनके साथ। अक्षरा के साथ चूंकि हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, अक्षरा बीइंग ए म्यूजिक डायरेक्टर मुझे बहुत अप्रिशिएट करती रही है, और जब मैंने डायरेक्शन करना चालू किया तो पहली फिल्म जो मेहंदी लगा के रखना बनाया था उसकी सिटिंग में वो थी, और उसके वो सब गाने जो बहुत लोगों को, इवन खेसारी जी को भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बलमुआ हो कैसे तोहरा से प्यार हो गई, या उसका एक रोमांटिक गाना जो था, तो उन गानों को लेकर के अक्षरा का बड़ा विश्वास था। उसने बोला, अक्षरा ने बोला था कि ये गाने बहुत अच्छे हैं सर, ये 100% हिट होंगे। तो मुझे शुरू से ही उसका, चूंकि और मुझे पता था कि ये सुरीली है, आज दुनिया जानती है, उस समय वो नहीं गाती थी, आज दुनिया जानती है कि वो आज वो एक रॉक स्टार है। अगर कोई फीमेल रॉक स्टार है तो वही है जो स्टेज परफॉर्म करती है, जो गाने गाती है, जिसके अपने खुद के एल्बम्स बहुत बड़े हिट हैं। अभी कोई गाना उनका है जो 400 मिलियन भी किया है। तो ऐसी लड़की के साथ मेरा भी काम करने का तो मन पहले से ही था, लेकिन इत्तफाक नहीं बन रहा था। इस फिल्म को लेकर के जब हमने उनसे चर्चा किया कि ऐसी फिल्म है, मैं करना चाहता हूं, तो उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी और मेरा भी मन था। तो फिर मैंने बोला कि इसमें न्यू कमर एक लड़के के साथ मैं करना चाहता हूं, आप करने को तैयार हो? और उन्होंने बोला कि सर आपके साथ करना है, वो किसी के साथ भी हो मैं करूंगी। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो बोले कि आप सर उनको लेकर के आइए। मैंने बोला कि भाई हमको अक्षरा सिंह चाहिए इस फिल्म के लिए, क्योंकि कंसेप्ट एक सिंगर लड़की का है जो फिल्म में सिंगर है, तो उसके लिए अक्षरा से बेहतर कोई नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि ठीक है, अक्षरा जी ने इसके लिए कुछ अच्छी अमाउंट का डिमांड किया। तो फिर हमने, प्रोड्यूसर साहब ने दोनों बोला कि नहीं सर, अगर वो चाहिए तो वो चाहिए, और अक्षरा जी हमारे साथ काम कर रही हैं। अभी काम करते हुए भी 5-6 दिन हम साथ में काम किए हैं, और काम करते हुए ऐसा लग रहा है कि हम कई फिल्में एक साथ कर चुके हैं। व्यवहार में तो कुशल वो है ही, वो प्रोफेशनली मुझे बहुत अच्छी लगी, टाइम की कमिटेड है। मैंने बाकी सारे स्टारों के साथ काम किया है, फीमेल आर्टिस्टों के साथ काम किया है। अक्षरा की खासियत है कि उनके लिए 7 का मतलब 7 है, 7 बजे उनको अगर बुलाइए तो वो 7-7:30 तक हाजिर हो जाती हैं, और कभी भी ऐसा नहीं है कि सर मैं अभी हो गया या कितना बजे जाऊं कितना बजे आऊं, ऐसा कुछ नहीं, जो टाइम दिया जाता है उस पर आती हैं। तो ये बहुत अच्छी खासियत है, शायद इन्हीं गुणों की वजह से आज इतना बड़े मुकाम पे हैं वो, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। और तीसरी चीज़ जो उनकी मुझे अच्छी लगी वो है कि डेडिकेटेड हैं काम के लिए, जो बोला कैसे करना है। आज ही हम एक सीक्वेंस पिक्चराइज कर रहे थे, बारिश हो रही थी, बहुत परेशानियां हो रही थी, बारिश बार बार तंग कर रहा था, पर एक बार उफ नहीं आया उनके चेहरे पे, सिकन सी नहीं आई, और पूरा हमारे साथ उन्होंने कंधा से कंधा मिला करके सपोर्ट किया और हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ वो सीन पिक्चराइज किया। तो अक्षरा के साथ काम करना बहुत ही सुखद लग रहा है, और ईश्वर करेंगे तो हम आगे भी कई फिल्में करेंगे उनके साथ।